दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारे पास ऑल्टो VXi प्लस को लिए हुए लगभग अप्रॉक्स में अगर आपसे कहूँ तो लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है 4 ईयर। ठीक है, अब ऐसे में जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे निकल के जो आ रहा है उस एक्सपीरियंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और किस तरीके का एक्सपीरियंस लग रहा है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर से देखिएगा और आपको हम हमेशा जो है रिव्यूज़ जो है सारी वीडियोज़ के प्रोवाइड करवाते रहते हैं, सारी चीज़ के रिव्यूज़ जो है डिस्कस करते रहते हैं। अब ऐसे में आपको पता है कि यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है पूरा यहाँ पे 4 ईयर, तो मतलब क्या क्या यहाँ पे रिव्यू चल रहा है, मतलब किस तरीके से इसके सिस्टम जो है वर्क कर रहे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर से देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोज़ अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए, उनको फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है ना, एक्चुअली में जो यहाँ पे रिव्यू है, मतलब कि कहें अगर हम ऑल्टो VXi प्लस को ड्राइविंग का, तो देखिए और गाड़ियों, मतलब कह सकते हैं भाई और गाड़ियों का उतना ज़्यादा डिटेल्ड कह नहीं सकते कि कितना उसका एक्सपीरियंस होता है, बट हाँ यहाँ पे ऑल्टो को अगर आप गाड़ी यूज़ कर रहे होंगे तो भाई जो ऑल्टो की गाड़ी है, मतलब कि आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा एक परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, ऑल्टो की कार और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको गाड़ी को यूज़ करते हुए लगेगा। देखिए इवन मारुति की यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी गाड़ियाँ आपको जो है एक कह सकते हैं कि आपको ड्राइव करते हुए एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, फिलहाल देख सकते हैं ब्रेकिंग की मैं बात करूँ तो ब्रेकिंग भी अभी भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, मतलब ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से स्मूथली वर्क करता है। गेट शिफ्टिंग की मैं बात करूँ तो भाई गेट शिफ्टिंग भी काफ़ी आराम से, मतलब ईजिली हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे मौसम ख़राब रहता है तो ख़राब मौसम में भी अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर होता है, मतलब गाड़ी के अलग अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। ठीक है, तो एक हिसाब से कहें कि यहाँ पे जो गाड़ी का एक्सपीरियंस है वो बढ़िया रहता है, मतलब कि गाड़ी को ड्राइव करने का, जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो। ठीक है, और आपको पता है कि ABS CVD वगैरह भी मिलता है तो उसका भी एक अलग अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ABS CVD वगैरह जो है गाड़ी को जो है अच्छा एक यहाँ पे कह सकते हैं कि गाड़ी को भी स्टेबलाइज्ड प्रोवाइड करवाते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो जब भी आप गाड़ी को ले चलते हैं ड्राइव करते हैं तो उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और आपको बताइए पावर स्टीयरिंग मिलता है और पावर स्टीयरिंग में एक जो है गाड़ी को ड्राइव करने का, मतलब जो ये टर्न स्टीयरिंग करते हैं आप, इस पर काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट मिलता है, मतलब ईजिली आप अपनी गाड़ी को जो है ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और भाई कहें तो कहीं ना कहीं भाई ब्रेकिंग के मामले में भी काफ़ी गाड़ी अच्छी रिस्पॉन्स करती है आपको। ठीक है, ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और इजीली जो है आपकी गाड़ी आपको रिस्पॉन्स भी करेगी। ठीक है, और भाई हर चीज़ में सही है, एवरेज वगैरह भी कहें तो नॉर्मल आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल इसका एवरेज है और बाकी अगर आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करने का एक आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, आप गाड़ी को लंबे समय तक जो है ड्राइव कर सकते हैं और सर्वाइवल भी है भाई, 4 साल हो गया गाड़ी को लिए हुए तो एक रिस्पॉन्स कहें तो अच्छा ही निकल के आता है, ऐसा नहीं लगेगा आपको हाँ ये फील नहीं होगा कि भाई मैंने कोई गलत गाड़ी ले ली हो। ठीक है, अच्छा ही फील होने वाला है भाई, मेरा भाई पर्सनल ही एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी पर्सनल कार है और मैंने फर्स्ट कार भी थी और फर्स्ट चॉइस भी थी और मैंने फर्स्ट बार इस गाड़ी को ड्राइव भी किया था और डेफिनेटली इस गाड़ी को मैंने सीखा ना भाई, मुझे और गाड़ियों के कंपेरिजन में, मतलब ये गाड़ी मुझे सीखने में भी काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कह सकते हैं भाई स्मूथ था और ईजिली जो है हमने सीख भी लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब भाई अगर आप ड्राइव कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है गाड़ी को ड्राइव करने का। ठीक है, और दिक्कत भी नहीं होती, आप आराम से गाड़ी को मतलब चलाना हो, कुछ भी करना हो तो आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये था जो कि मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कस कर ली है लगभग। और भाई मैं बताऊँ तो इसको मैंने लगभग यहाँ पे और काफ़ी जो है लंबे समय से ड्राइव कर रहा हूँ और अभी भी करता भी रहता हूँ तो आपको उसका भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये है जो कि यहाँ पे हमारी गाड़ी का जो है निकल के आता है एक्सपीरियंस और मैंने आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, तो होपली ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।